हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करना चाहती हूँ एंड दैट इज़ रिलेशनशिप्स। काफ़ी सारे लोग आर लक्की एंड काफ़ी सारे लोग आर अनलक्की, और कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप को जस्ट देर इन देर अबाउट्स निभाते हैं। लाइक आई टेल यू समथिंग, सम आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज लव मैरिजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अभी उनको दिखावा भी करना है क्योंकि उन्होंने इतना सारा रिबेल करके, डिफाई करके, ओवर एक्टिंग करके शादी की है, एंड देन वो सडनली फ्लॉप अगर हो जाती है देन दे हैव टू पैच इट अप, राइट? दे कैन नॉट शो, दे हैव टू शो इट सक्सेसफुल एट ऑल रेट्स, एंड स्पेशली अगर वो इंटर कास्ट, इंटर फेथ, इंटर रिलीजियस, इंटर रेशियल जो भी है। सो आई हैव सीन, एंड स्पेशली अगर ये लव मैरिजेज में, अगर ये जल्दी शादी करते हैं और इनके बच्चे नहीं होते, चाइल्डलेस, ओके। आई हैव सीन वन थिंग कि लव गोज आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि द चाइल्ड होल्ड्स टुगेदर अ मैरिज वेदर यू लाइक इट और नॉट। काफ़ी हद तक वो डिवोर्स हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स अनदर थिंग, बट कहीं ना कहीं दैट चाइल्ड इज़ अ कॉमन फैक्टर। अगर वो ही नहीं है तो वो मैरिज तुम कितना, मतलब ये जो डबल इनकम कपल्स होते हैं, मैंने ये देखा है कि इनिशियली ये लेडीज़ क्या है ना, दे सो मच करियर ओरिएंटेड, उनको बच्चे पसंद नहीं आते, और होते तो भी उनका मिसकैरेज होता है, वो चाहते ही नहीं है, इंटरनली भी चिड़चिड़े होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने पार्टनर से भी काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड रहते हैं। अभी बाहर के लोगों को इनको दिखाना है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, स्पेशली व्हेन देयर आर मिक्स मैरिजेस, तो इनकी डीपीज देखनी चाहिए चिपक चिपक के। मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी है कि लोगों की शादियां काफ़ी 10+, 20+ ईयर्स भी चलती है, एंड देन दे हैव लवर्स आउटसाइड मैरिज एंड दे आर रेडी टू रिस्क दैट मैरिज, दे आर रेडी टू रिस्क दैट मैरिज। जब वो रिस्क फैक्टर इतना हाई हो जाता है कि सडनली दे विल डंप द लवर एंड गो बैक टू द वाइफ, लवर के साथ सब कुछ इंजॉय करेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें मिलती है जो उनको वाइफ में नहीं मिलती है, जैसे सेक्स है, लव है, कंपैशन है, ट्रस्ट फैक्टर है, या कॉमन एक्टिविटीज़ है। और फिर जब उनको वो पर्सन मिल जाता है ना, तो दे वांट टू कीप दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, और लवर भी हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, प्रेमिका भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, फिर वो ट्रायंगल बन जाता है। और जब ये ट्रायंगल बन जाता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और फनी सा रहता है, क्योंकि इट्स अ, द मैन इज़ फर्टाइल एंड ही कैन प्रोड्यूस, एंड ही इज़ विलिंग एंड डाइंग टू हैव एन टू हैव इट विद द प्रेमिका। अभी वहाँ पे इसकी सोसाइटी में इतनी ऊंची नाक है दैट दिस पर्सन इज सो सक्सेसफुल इन हिज मैरिज, और इन करियर में भी टॉप पे टॉप, ऑल इंडिया लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे, हाईएस्ट पोजीशन पे है, फिर कम्युनिटी में भी ये काफ़ी वेल नोन पर्सन है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे लोगों में क्या होता है ना, दे वॉन्ट द बेस्ट ऑफ बुद्ध साइड, ना प्रेमिका को जाने देते हैं, प्रेमिका को भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉमिस करते हैं, द सन एंड द मून, और जैसे ही वहाँ पे उनको लगता है कि ये इज्जत, स्पेशली फॉर मेन, इज्जत का, इज्जत पे कलंक लग जाती है, चैलेंजिंग है, वो इमीडिएटली उस लवर को डंप करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स और समथिंग फिर से उसके पास जाएंगे। या कोई क्या होता है ना, when you are in a matured state, you will not go in for one night stands, you will either go back to the ex or you will go to familiar faces, मतलब तुम किसी उसी कम्युनिटी की लड़की को चूज़ करोगे जिसके तुम कम्युनिटी के हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ किसी और कम्युनिटी या कुछ और बैकग्राउंड की है, बट ये अफेयर उससे करेंगे जिसके वो कम्युनिटी के हैं, ताकि वो मैच हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें, फिर ना इसको छोड़ सकता है ना इसको रख सकता है, पति पत्नी और वो। बहुत ही फनी सिचुएशंस, यू कैन सी सच थिंग्स एंड यू विल रियली वंडर कि ये आदमी मैनेज कैसे करता है, मतलब हाउ कैन ही गो एंड फेसेस। वहाँ पर भी लव मैरिज, तुमने तो डंके की चोटी पे शादी की थी, फिर यहाँ पे प्रेमिका के साथ भी तुम
प्रोमिसेस कर रहे हो कि नहीं आई विल डू वट एवर आई कैन, नहीं मुझे तो वो ये फैमिली शुरू करनी है तुम्हारे साथ, और जब वक्त आता है टू प्रूव हिज लव ही इज़ बैक टू स्क्वायर वन. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोज फीमेल्स एट द मोमेंट हु आर लिसनिंग टू मी, ऑल द गर्ल्स फीमेल्स हु आर इन लव और हैविंग एन अफेयर विद अ मैरिड मैन और अ मैन हु इज़ ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ये चल ये समझ. मुझे पता है कि दिल तो दिल ही है, प्यार तो प्यार ही होता है. मैं तुलसी तेरे आंगन की ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है. मैं क्रूअल नहीं बनना चाहती हूँ, मैं हेटफुल नहीं बनना चाहती हूँ. समटाइम्स वी एज वुमेन इवन लाइक मैरिड मैन, वी हैव क्रशेज ऑन देम बिकॉज दे लुक गुड और दे आर सक्सेसफुल. मैनेजमेंट में मैनेजर होते हैं या टॉप पोजिशन पे होते, वी कीप लुकिंग एट देम एंड वंडरिंग कि काश ये कितना डायनामिक है, डैशिंग है. सो इनकी पोजिशन भी, इनकी पैकेज भी इतनी हाई फाई होती है, तो आई अंडरस्टैंड कि इनकी इनकी पोजिशन भी इतनी पावरफुल होती है कि यू विल बी अट्रैक्टेड टू इट. ओके एंड एज आई सेड व्हेन यू आर मैच्योर्ड ना, तुम वन नाइट स्टैंड्स तुम थरकीगिरी नहीं करोगे जैसे मूवीज में दिखाते हो. यू विल हैव लो प्रोफाइल रोमांसेस, यू विल हैव लो प्रोफाइल अफेयर्स. आई एम टेलिंग यू विमेन, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि तुम्हारी लव मैरिज है और तुम्हारा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड इज नॉट चीटिंग. वो इमोशनल चीटिंग करेगा, मे बी ही इज नॉट स्लीपिंग अराउंड, मे बी ही इज फ्लर्टिंग. ओके मैं ये नहीं बोलती हूँ कि चीटिंग शुड बी ग्लैमराइज, बट बी प्रिपेयर्ड. एंड आई वॉन्ट टू टेल वेमेन हु आर इन सच ट्राइंगल रिलेशनशिप, स्पेशली प्रेमिकाज, आई वॉन्ट टू से इज दैट गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, स्पेशली वर्ड्स की. सी आई एम कम टू अ स्टेज, मैंने पर्सनली भी मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया वेर मैन हैव गिवन मी सो मेनी वर्ड्स, तब मैं अंदर अंदर ही स्माइल करती हूँ. मैंने बोला चलो चैलेंज करके देखते हैं इस पर्सन को कि किस तरह से, आजमा के देख लें. यू शुड ऑलवेज बी लाइक आजमा के देखते हैं, बोलता तो ज़्यादा है. आई रिमेम्बर दिस, देर वॉज दिस वन पर्सन, इवन ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स, लाइक फ्रॉम अ PhD फ्रॉम लंडन एंड काइंड ऑफ अ थिंग. आई रिमेम्बर ही टेलिंग मी, शांति एक दिन हमारा एयरक्राफ्ट होगा, मैं तुम्हें एयरक्राफ्ट में घूमूंगा. आई वॉज लाइक, मैंने बोला समोसे के पैसे भी मैंने दिए हैं, अरे ये बंदा मुझे एयरक्राफ्ट में, आई एम सेइंग टॉप ऑफ द टॉप गाइज, आई एम टॉकिंग ऑफ द ए लेवल ए लिस्टर टाइप ऑफ पीपल, लाइक यू नो ये इतने एम्बिशियस होते हैं कि ये बहुत वेग बातें करते हैं. एंड इनको क्या है ना कि इनको ऑन द टॉप ऑफ द टॉप लेवल ना, इनको ये सब बातों के महाराज होते हैं बिकॉज ये सो पॉलिश्ड एंड सो वेल एजुकेटेड, वेल प्लेस्ड एंड क्वाइट ओके, एवरेज एवरेज लुकिंग भी होते तो पॉलिश्ड होते, तो पीपल गेट कैरिड अवे, फीमेल्स गेट कैरिड अवे ना. हाई ब्रीड होते हैं वो, मतलब हाई क्लास के ये होते हैं, ओनली चाइल्ड and living in some posh area and driving a fancy car, you know. So I just looked at his face and said, आदमी कुछ भी बात करता है क्या? मैंने बोला हाँ देखा जाएगा, एयरक्राफ्ट का तो पता नहीं, एक ड्राइव भी नसीब नहीं हो रही है. I was quite fascinated by this person because PhD and all this fancy English language and all that. So it's like wow, क्या बंदा है यार. And this person was impressed with my chulbuliness and all that. I was just thinking ki kaise bhi vague promises karte hai ye men. So don't get carried away. Don't take it to your heart. Agar wo aadmi aazmata jo banda action karke dikhata hai na, matlab he stands by his words, then he that man is a man of honor. Otherwise, please save yourself. ये ड्रामेबाजी और फिल्मों की तरह मत, प्लीज़. तकलीफ़ होगी, दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन मैं वो प्रेमिका को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इतने होप्स और एक्सपेक्टेशंस मत रखो, और डिवोर्स होने के बाद भी इतने एक्सपेक्टेशंस मत रखो बिकॉज लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. क्योंकि ये इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपने स्पाउस के साथ, अपनी फेलियर्स के साथ, तो इतने भी सपने मत सजाओ कि तुम लोग कि ये इसको डिवोर्स करके मुझे. मैंने बोला इस तरह की अगर मुझे, अगर मेरे लाइफ में ऐसे कुछ आ जाए कि कोई, मैंने बोला दिस हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, इट इज़ सो मेसी, इट इज़ सो
कॉम्प्लिकेटेड. इफ इट इज अ विडोवर वी कैन अंडरस्टैंड कि इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, देन यू गिव अ सेकेंड थॉट अबाउट इट. बट डिवोर्स के साथ तुम उस आदमी के साथ शादी करते हो, इज दैट ऑल्सो ओके, इज दैट ऑल राइट. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि टॉक्सिक मैरिजेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बट आई सेड विमेन प्लीज प्लीज प्लीज, बहनों सिस्टर्स प्लीज, दीदीज, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट, आँख बंद करके प्लीज एक आदमी को आजमा लो, पुट हिम टू टेस्ट, लात मारो उसको, बोलो ये कर रहा है ना, तो ये करना चाहता है ना, तो कर करके दिखा, हाथ में दम है तो करके दिखा, चैलेंज योर मैन, डोंट बी लाइक एन अच्छा जी कितना अच्छा लग रहा है. जब मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, मैं तो आजमा लेती हूँ. मैंने बोला मैं तो टपोरी हूँ भाई, अब करके दिखा भाई, तूने तो बोल दिया है ये सब, अच्छा कितना प्यार करते हो मुझसे. आई रिमेम्बर समबडी टोल्ड मी, वन ऑफ द गाइस टोल्ड मी, जितने मैं अपने आप से करता हूँ. मैंने बोला हाउ सो स्वीट, अच्छा चलो आजमा लेते हैं, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो. भाग भी जाएंगे अगर वो भाग जाते, मतलब समझ लेना चाहिए कि दैट पर्सन वॉज नॉट वर्थ इट. तो जो बोलता है ना, जो बोल के रहता है, ये सब ड्रामे बेजी करते हैं, गाई डजंट स्टैंड बाय, जो क्वाइट होता है, हु डज एक्शंस, हु स्टैंड बाय, एवरेज लुकिंग भी है लेकिन हु स्टैंड बाय यू इन थिक एंड थिन, हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, हु रिस्पेक्ट्स यू, हु लव्स यू, प्लीज लेडीज गो फॉर सच अ पर्सन. ये जो चिकनी चुपनी बातें करते हैं हाई फाई स्टैंडर्ड्स के, ट्रस्ट मी आई हैव बीन मीटिंग पीपल ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स, और ऐसे नहीं कि मुझे इतनी अटेंशन नहीं मिली है, चिपनी चुपनी बातें करते रहेंगे बस, हाथ कुछ लगेगा नहीं, दे विल, इट्स लाइक थैंक यू नेक्स्ट फॉर देम. उनको लिए वो यू आर जस्ट अ टारगेट, पीपल ऑन द टॉप स्पेशली ऑन द मैनेजमेंट लेवल, उनके लिए औरतें एक हद तक ये नहीं, ये मुझे हासिल करनी है, ये छमिया मुझे चाहिए, लेकिन द हेड टारगेट चलो क्रॉस करते, इट्स अ फैक्ट, बिकॉज या मैनेजर्स और वट एवर, वो ईगो भी रहता है काफ़ी हद तक व्हेन दे आर इन मैनेजमेंट, अगर बॉस लेवल पे होते हैं तो. इसको मेरी बात माननी होगी, तो वी बिकम लाइक देयर इमोशनल स्पाउसेस, फिर उनकी सेक्रेटरी है तो उनकी आसपास फिर के हम लोग आधी घर वाली बन जाती हैं उनकी. डोंट टेक थिंग्स टू द हार्ट, यू नो. आई सी वुमेन, मैं प्यार करती हूँ उससे, मैंने बोला देखो वाइफ का दर्जा कुछ और ही होता है, लेट अस नॉट गेट इन टू इट, लेट्स अपनी पर्सनैलिटी अपनी डिग्निटी को रखो ऑल द टाइम, क्योंकि ये आदमी लोग ना ट्विस्ट एंड टर्न कर, दिल से दिस लेडी इज बिहाइंड मी, ये औरत मेरे पीछे पड़ी थी, दे माई ट्विस्ट एंड लाई एंड से सर्टन मैनिपुलेट, तो औरत उसकी तरफ हो जाएगी, दो शी नोज दैट ही माइट बी लाइंग. सो मत करो ऐसे, एंड स्पेशली जिनके बच्चे हैं उनसे दूर ही रहो, दूर ही रहो, दस दस कोस दूर रहो उनसे, उनसे उनको बच्चे चाहिए नहीं, और उनसे बच्चे पैदा भी मत करो आप लोग, प्लीज़ डोंट गेट प्रेग्नेंट. मैं हाथ जोड़ के प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी ट्रायंगल रिलेशनशिप में है औरतें, वेक अप, इफ़ यू डोंट वेक अप नाउ इट इज़ नाउ और नेवर. और ये क्या होता है ना, मैं आदमी लोग को भी बोलना चाहती हूँ, डोंट बी सच अ कावर्ड. वो कभी कभी है ना ब्रेकअप के डंप ही करते हैं औरत को, मतलब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो समझ, अगर वो समझाएंगे तो भी वो औरत समझेगी नहीं, वो पागल जैसे पीछे ही पड़ जाएगी, द प्रेमिका वो और ज़्यादा खतरनाक है, वो कट जाएगी, खुद भी काटेगी, कट जाएगी. सो ऐसे पागलपन हो जाता है प्यार में, ऑब्सेशन हो जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन यू बिकम फिजिकल विद अ पर्सन, तो वो जो बॉन्ड होता है वो डिफरेंट होता है. तो व्हेनेवर आई सी फीमेल्स बीइंग इन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, आई वुड से डोंट. अगर तुम लोग को ये पता है कि तुम मजे लूट रहे हो एंड जस्ट देयर फॉर सेक्स, वन नाइट स्टैंड्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, स्टिल इट विल हर्ट यू समवेयर ऑन द कॉर्नर, वो तकलीफ देगी वो चीज़ अपने आप से. इमेजिन समबडी टेलिंग यू दैट मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितने मैं अपने आप से करता हूँ, बहुत बड़ी बात है ये. मैंने बोला तो आजमा के देखते, जब आजमा लिया तो वो पसंद कहीं नहीं था, डिडंट स्टैंड बाय एनी ऑफ हिज प्रोमिसेस. तो ये बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ. आई रिमेम्बर दिस
बहुत ही पॉलिश्ड पर्सन है, टॉप ऑफ द टॉप गाइस। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, ये बहुत कुछ प्रॉमिस भी करते हैं, आई एम देयर फॉर यू, आई गिव यू माई टाइम, आई लव यू, मिस यू। आए दिन इनके मैसेजेस आएंगे, सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग भी मिल जाएगी, फिर यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, क्या खाएगी ये वो। मैंने बोला मुझे कोई डिनर विनर नहीं करना है, मुझे नहीं है कोई एपेटाइट, मुझे सिर्फ बातें करनी है, इफ़ यू डोंट माइंड। मैंने बोला यू नो मी एज अ पर्सन, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मुझे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है। हैव यू टेकन एनी टाइम टू अंडरस्टैंड मी एज अ पर्सन? नहीं। वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला यूज़ करते कि फीमेल है तो चलो इसको घुमाने लेके जाए, खिलाना पिलाना इन फाइन डाइनिंग। मैंने बोला फाइन डाइनिंग लेके जा सकते हो क्या? हाँ हाँ, वाई नॉट। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड, आई एम रियली नॉट। मे बी एक ज़माने में आई वुड बी लाइक दिस क्रेजी पर्सन, चलो डिनर ही करके आ जाए। नहीं, मुझे नहीं इंटरेस्टेड। मुझे बातें सुन के काफ़ी अच्छा भी लगा, फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे भी कोई बात कर सकता है क्या, कर सकता है क्या, करता है क्या। बिकॉज मैंने बहुत सारे डायलॉग सुने थे, लेकिन ये वाला बड़े यूनिक था। मतलब इतने सारे डायलॉग सुने थे अपने लाइफ टाइम में कि ये वाला बहुत ही यूनिक था। मैंने बोला यूनिक डायलॉग है लेकिन। सो गाइज, आई टेल यू, जो प्रेमिका होती है ना, हादी खिसके लिए होती है, बिकॉज यू नो शी इज़ ऑलवेज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। क्योंकि तुम दोनों तरफ वो होता है ना, अनअवेलेबल पर्सन का जो चार्म रहता है ना, दैट वॉन्टिंग टू बी विद दैट पर्सन इज, इट्स ऑन एन ऑब्सेशन लेवल। कि मैं इस आदमी का ध्यान अपनी तरफ बटोरूंगी, इसको मैं अपना लूँगी, वो क्रेज भी रहता है। इट्स ऑन अ फ्रीकी लेवल एंड इट्स ऑन अ स्केरी लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, मैं इस विषय पे और ज़्यादा बातें करूँगी समडे जब मेरा दिल करे तो, बट एट द मोमेंट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब भी दिल टूटता है ना, तो पूरी तहस नहस हो जाती है ज़िंदगी। हार्ट ब्रेक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, हार्ट ब्रेक इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू फील। ठीक है ना, चलो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।